अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्रोसोमल रिएक्शन। इससे पिछली वीडियोस में हमने जो इस लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें हमने पढ़ा था कि स्पर्म एग की तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है, ठीक है जी, डायरेक्शन और अट्रैक्शन में वहाँ पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पर्म में एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होता है, वो रिएक्शन जिससे स्पर्म इस काबिल होता है कि वो एग के जेली कोट को डाइजेस्ट करे और विटलाइन एनवेलप से क्रॉस आउट होता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक चला जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन, बेसिकली जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है ये दो प्रोसेस का कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, हम दो प्रोसेस और होते हैं जिसे कहते हैं। सबसे पहला होता है एक्सोसाइटोसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है जी, पहला प्रोसेस क्या जी, एक्रोसोमल रिएक्शन में जो वेसिकल है, ठीक है, एक्रोसोमल वेसिकल वो सेल मेम्ब्रेन स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होती है। कंबाइन होने के बाद इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने ये डाइजेशन का प्रोसेस करना है वो रिलीज होते हैं। किस प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या जी, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस क्या जी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है जी, तो ये दो प्रोसेस होते हैं जो मिलकर कंबाइन एक्रोसोमल रिएक्शन के ला रहे होते हैं। नंबर वन एक्सोसाइटोसिस, जिसके जरिए एक्रोसोमल के अंदर, एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे ताकि जेली कोट को डाइजेस्ट किया जाए और स्पर्म अंदर जा सके। और दूसरा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये जो एक्टिन फिलामेंट मौजूद है इसकी पॉलीमराइजेशन होती है और ये आप कह सकते हैं कि इस काबिल होता है कि पेनिट्रेट कर सके, धस सके। अब ये जो दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये स्पर्म के अंदर होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन प्रोसेस की डिटेल की तरफ आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर एजेंट है जो इनको स्टार्ट करवाता है। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एग ही स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा होता है, उसकी टाइमिंग कंट्रोल करता है कि कब अट्रैक्शन करवानी है और किस स्पीशीज की करवानी है, इसी तरह एग ही यहां पे होगा जो स्पर्म की एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। कैसे जी, एग की है जो जेली कोट जो आपको डॉटेड लाइन में नजर आ रही होगी, ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड मौजूद होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड क्या होते हैं, जिस जेली कोट से निकलकर स्पर्म के साथ आके उसके साथ बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जिनको ओपन करते हैं। उन चैनल के ओपन होने से आयंस की माइग्रेशन होती है, पोटेंशियल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म के अंदर एक्सोसाइटोसिस का रिएक्शन और उसके अंदर पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो एजेंट क्या जी, जो एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए एजेंट है वो है सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, वो क्या चीज है, सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नॉर्मली मोनो ओलिगोसैकेराइड होते हैं। ये जो जेली कोट होता है इसमें से कुछ क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, कुछ यूनिट्स रिलीज होते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। फर्ज करें हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वाटर में चले गए, ठीक है, लिक्विड मीडियम जो भी एक्वाटिक मीडियम होगा उसमें, वहां से ये फ्लोट होते हुए स्पर्म के साथ आके इसकी मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं और ये सल्फेटेड, यानी इनके अंदर सल्फर कंपाउंड जो एटम है वो मौजूद होता है, सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही ये स्पर्म के साथ बाइंड करते हैं तो स्पर्म के अंदर तीन तरह की, स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करते हैं उसके अंदर तीन तरह के चैनल्स हैं, उनको एक्टिव किया जाता है। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शंस की, तो रिएक्शन में जैसे ही ये जो सल्फर कार्बोहाइड्रेट है, सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट है, ये आके क्या करेंगे जी, स्पर्म की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो तीन तरह के चैनल ओपन होते हैं। नंबर वन कैल्शियम चैनल, ठीक है, नंबर टू सोडियम हाइड्रोजन चैनल, और नंबर थ्री एक एंजाइम है जिसे कहते हैं फॉस्फो लाइपेज एंजाइम। ठीक है जी, जैसे ही सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स ने आके स्पर्म की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड किया, स्पर्म की मेम्ब्रेन्स के ऊपर हेड और बाकी जो मेन है, नॉर्मली इतने से कि हम लोग बात करते हैं,
ठीक है जी। इसके ऊपर तीन तरह के चैनल्स थे जो क्या हुए, एक्टिव हो गए। नंबर वन कैल्शियम चैनल, ये क्या करेगा, कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा, ठीक है। कैल्शियम क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, कहाँ पे जी, हेड रीजन में, ठीक है। नंबर टू सोडियम हाइड्रोजन चैनल, ये सोडियम इनफ्लक्स करेगा और हाइड्रोजन इफ्लक्स करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को बाहर रिमूव किया जाएगा और सोडियम को बाहर से स्पर्म के अंदर मूव किया जाएगा। इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है जी, एक्रोसोमल वेसिकल जो है, ठीक है, एक्रोसोमल वेसिकल जो है ये स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, स्पर्म मेम्ब्रेन और ये वाली जो लेयर है ये एक्रोसोमल है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या करती हैं जी, फ्यूज हो जाती हैं, आपस में बाइंड हो जाती हैं। और ये समझा जाता है कि जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है, कैल्शियम का अंदर आना, ये इस चीज़ का जिम्मेदार है, ठीक है, फ्यूजन के लिए। और तीसरी क्या जी, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, ये बेसिकली एक प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं IP3, ठीक है जी। ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करेगी जिसने पॉलीमराइजेशन में काम करना है, ठीक है। तो इस तरह ये तीन चैनल्स सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट के आने से जुड़ते हैं, कैल्शियम चैनल जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर हेड में आता है, हाइड्रोजन बाहर जाना शुरू हो जाता है और सोडियम अंदर आता है, वजह वो चैनल ओपन हो गया। और एक एंजाइम एक्टिव होता है फॉस्फोलाइपेज, ये क्या करता है जी, IP3 सेकेंडरी मैसेंजर उसे बनाता है, जिसका बहुत अहम रोल होता है इस पूरे प्रोसेस में, पॉलीमराइजेशन में, और आगे भी हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है जी। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है जी, ये जो स्पर्म की एक्रोसोमल वेसिकल है, ये सेल मेम्ब्रेन की वेसिकल, आपको डायग्राम में इन दोनों में स्पेस नजर आ रही है, बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक वेसिकल की मेम्ब्रेन है जिसे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, दूसरी स्पर्म की, ये दोनों आपस में बाइंड होती हैं, फ्यूज होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो रप्चर हो जाती है, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होना है। इसकी रप्चरिंग से क्या होता है, इसके अंदर जितना भी कॉन्टेंट होता है, ठीक है जी, जितना भी कॉन्टेंट है या जो एंजाइम है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो कब रिलीज होना शुरू होते हैं। अब कहां पे रिलीज हो रहे होंगे, तो जैसे ही स्पर्म ने आके जेली कोट के साथ टच किया, तो सल्फेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन उन्होंने ये वाला प्रोसेस चैनल्स ओपन कर दिए, इनको इनिशिएट किया, इनकी इनिशिएशन से क्या हुआ जी, मेम्ब्रेन जो एक्रोसोमल की थी वो फ्यूज की स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ, और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ। उस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस ने किया कि जी वो जेली कोट का उतना एरिया, जितने एरिया पे एंजाइम फॉल आउट हुए हैं उतने हिस्से को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि स्पर्म अंदर मूव कर सकें, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है जी, एक प्रोसेस खत्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है जी। अब दूसरा एंजाइम क्या जी, अब इसने इस जेली कोट से गुजर कर वेटलाइन एनवेलप, ये जो आपको रेड लाइन से ऊपर एक लाइन नजर आ रही है, ये वेटलाइन एनवेलप है, इसके साथ जाके इसने बाइंड करना है, इसमें से गुजरना है। तो यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस होता है जो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि क्या ये स्पर्म इसी स्पीशीज का है या किसी दूसरी स्पीशीज का, ठीक है। हमने दो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी है तो उसमें याद होगा हमने बात की थी, दो प्रोसेस होते हैं जो स्पर्म स्पेसिफिक बाइंडिंग कंट्रोल करवा रहे होते, अट्रैक्शन और बाइंडिंग करवाते, एक अगर जो केमिकल रिलीज होकर स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, जिसे हमने रिसेक्ट पढ़ा था, अगर वो उसी स्पीशीज का स्पर्म है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वरना नहीं। और दूसरा जो स्पेसिफिक बाइंडिंग या फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करता है कि इसी स्पीशीज की फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो ये बाइंडिंग का प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन के दौरान। अच्छा जी, तो दूसरा प्रोसेस क्या जी, पॉलीमराइजेशन। अब क्या होता है, जैसे इस बात को समझा जाता है कि कैल्शियम इनफ्लक्स ही ये एक्रोसोमल रिएक्शन में एंजाइम के रिलीज होने का और इस एक्टिन फिलामेंट को पॉलीमराइज करने का जिम्मेदार है, ठीक है, इस एक्टिन फिलामेंट को पॉलीमराइज कैसे जी, ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्रोसोमल वेसिकल थी, ये है जी एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स होता है, सोडियम क्या होता है, अंदर की तरफ आ रहा होता है, तो टेल रीजन में और हेड रीजन के अंदर जो एक्टिन मौजूद होता है, टेल और हेड रीजन में जो एक्टिन मौजूद होता है, इनकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है। अब पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, तो यहां पे एक प्रोटीन काम करती है जिसे हम लोग रिहो प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, रिहो रिहो बी प्रोटीन दो नाम लिए जाते हैं, ये काम करती है। अब ये प्रोटीन क्या है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन है,
ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है? ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। जैसे ही कैल्शियम इन्फ्लक्स अंदर की तरफ होता है तो ये प्रोटीन जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है इसे एक्टिव हो जाती है। कैसे? कैल्शियम अंदर आ रहा था, कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जिसे रिहो प्रोटीन या रिहो बी प्रोटीन कहते हैं वो एक्टिव हुई। इसने टेल और हेड के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है इनकी अरेंजमेंट करवानी शुरू कर देनी, इनकी पॉलीमराइजेशन करवानी है। इस पॉलीमराइजेशन के दौरान जो एक्टिन यहां पे मौजूद था ये एक आप कह सकते हैं कि रॉड शेप में बदलना शुरू हो जाता है। इसकी पॉलीमराइजेशन से ये क्या होता है, एक रॉड शेप में बदलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द कवर हो जाती है। अब डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ स्पॉट शो किए हैं, डॉट शो किए हैं। बेसिकली ये खास किस्म की प्रोटीन होती है जो आगे हमें चाहिए, कब? जब रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जैसे ये रॉड लाइक स्टेप में बदलता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इसकी इर्द गिर्द लिपट जाती है, तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, लिहाजा वो मेम्ब्रेन के साथ ही मौजूद हो जाती है या उसी के साथ रहती है। ऐसी कंडीशन में स्पर्म का ये वाला शेप चेंज होकर ऐसे शेप में बदल जाता है जो कि ज्यादा पॉइंटेड है, ठीक है जी, पेनिट्रेट करने की एबिलिटी इसमें ज्यादा है। अच्छा जी, तो इस तरह एक्रोसोमल का प्रोसेस या एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। यहां पे एक बात बताते चलते हैं कि सी अर्चन या दूसरे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या दूसरे जानदार उनमें होता है, मैमल्स के अंदर क्या होता है, पहले धंसता है बाद में डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखने की बात है। तो यहां पे एक्रोसोमल रिएक्शन खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था दो पॉइंट्स हैं, एक्सोसाइटोसिस हुई और पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन हुई। कि एक्टिन क्या थी? वो पॉलीमराइज हुई और एक रॉड शेप स्ट्रक्चर में बदल गई। ये स्ट्रक्चर विटलाइन एनवेलप के साथ रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी, जो दूसरा स्टेप है वो है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है जी, रिकॉग्नाइजिंग ये जो प्रोटीन थी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये कौन सी है? बाइंडिंग प्रोटीन। और एवोल्यूशन के लिए ऐसे देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट प्रोटीन जो है, ठीक है जी, उसे बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। और ये बेसिकली लफ्ज बाइंडिंग है, BIND, बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन कंपैटिबल होती हैं, पेयरेबल होती हैं विटलाइन एनवेलप के ऊपर जो, या जो एग मेम्ब्रेन है उनके ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनके साथ। अगर ये इसी एग या इसी स्पीशीज का स्पर्म है, जिस स्पीशीज का एग है, तो ये बाइंडिंग प्रोटीन ये वाला जो रिसेप्टर है, ठीक है, एक को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, यहाँ पे जो रिसेप्टर लगा हुआ है इसके साथ बाइंड करते हैं, जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन हुई है। अगर ये किसी दूसरी स्पीशीज की है तो ये बाइंडिंग प्रोटीन बिल्कुल डिफरेंट होगी, लिहाजा एग्लूटिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा, स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये एक और स्टेप है ताकि जो इस बात को इंश्योर करे कि उसी स्पीशीज का स्पर्म है उसी स्पीशीज के एग को बाइंड कर रहा है, सेम स्पीशीज का स्पर्म सेम स्पीशीज के एग को बाइंड कर रहा है। देन उसके बाद ये बाइंडिंग अगर कंपेटिबल है तो एग्लूटिनेशन होती है। और इसके बाद क्या होता है, ये विटलाइन एनवेलप से क्रॉस आउट होता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज आउट हो जाता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है तो यहां पर यह जो एक स्ट्रक्चर से बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है जी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजिंग कौन। यहां से ये जो स्पर्म का सॉरी एग का साइटोप्लाज्म है जिसे ऊप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर तीन से चार चीजें जाती है। नंबर वन स्पर्म के सेंड्रियोल्स, नंबर टू प्रो न्यूक्लियस, ठीक है जी, नंबर टू प्रो न्यूक्लियस, नंबर थ्री माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये बात भी बताते चलते हैं कि जो स्पर्म के एग के अंदर स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है वो डीजेनरेट कर दिया जाता है, लिहाजा बच्चे में जो आगे माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेल में या बच्चे में आते हैं वो बेसिकली मदर या एग के होते हैं, ठीक है। और जो सेंड्यूल्स होते हैं उन्हें यूज करके आगे जितने भी डिवीजन के प्रोसेस है उस एग के अंदर जो अब जाइगोट बनेगा उसमें हो रहे होते हैं, जो एग का अपने सेंड्यूल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन कौन बनती है और स्पर्म जो प्रो न्यूक्लियस है वो आगे चला जाता है। अब जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें भेजना शुरू किया जाता है, जो यहां पे मटेरियल को रिलीज करते हैं जिससे ब्लॉकेज होती है, पॉलीमर भी नहीं होती। लेकिन इनकी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल अपना मटेरियल रिलीज करे सेल मेम्ब्रेन और विटलाइन एनवेलप के दरमियान जो स्पेस है उसमें, उससे पहले एक और रिएक्शन करवाना पड़ता है ताकि ये जो पोलैरिटी है वो चेंज हो, एक स्पर्म के जाने के बाद मजीद दूसरा स्पर्म एंटर
ना हो सके, ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी हो, तो वो दो तरह की होगी। पहले फास्टेस्ट होगी जिसकी वजह से ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होंगे और इस मेम्ब्रेन का वोल्टेज कुछ इस तरह पे पोटेंशियल सेट होगा कि मजीद स्पर्म एंटर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि फास्ट की बात की जाए टेम्पररी होगी, उस फास्ट ब्लॉकेज के दौरान कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को कैपेबल करेंगे कि वो अपने मटेरियल को विटलाइन एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसमें रिलीज करें, ताकि फिर बाद में एक कॉन्क्रीट लाइक स्ट्रक्चर बने और वो परमानेंटली ही स्पर्म की ब्लॉकेज कर दे, जिसे हम लोग स्लो पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो फास्टेस्ट पॉलीस्पर्मी और स्लो पॉलीस्पर्मी हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा। आज की वीडियो में हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने थे, वो थे एक्रोसोमल रिएक्शन और रिकॉग्नाइजेशन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन की हमने बात की है, एक्सोसाइटोसिस और पॉलीमराइजेशन पे बेस करता है। जैसे स्पर्म एग जेली के साथ जाके बाइंड करता है तो सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स इसके दरमियान इसमें हेड में कैल्शियम चैनल, सोडियम और हाइड्रोजन चैनल को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाता है, हाइड्रोजन अंदर जाता है, सॉरी सोडियम अंदर जाता है, हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। देन इन दोनों प्रोसेस की वजह से साथ एक तीसरा एक एंजाइम एक्टिव होता है जिसे फॉस्फोलाइपेज एंजाइम कहते हैं। ये IP3 प्रोटीन, ठीक है जी, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट प्रोटीन को एक्टिव करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसे हमने अगले वीडियोज़ में भी पढ़ना है, वो एक्टिव होती है। इन तीनों कंडीशन की वजह से एक्रोसोमल वेजिकल स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है और इसका जितना भी एंजाइमेटिक कॉन्टेंट है वो रिलीज होकर एग जेली को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। डाइजेशन की वजह से स्पर्म आगे जाएगा, जैसे ही स्पर्म आगे भी जा रहा होता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स रिहो बी प्रोटीन को एक्टिव कर देता है, जो कि बेसिकली GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। ये प्रोटीन हेड और टेल के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है इनकी पॉलीमराइजेशन करेगी, ताकि हेड के अंदर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन सके। और क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन थी, वो मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द इन्वेलप हो जाती है, लिपट जाती है और जो प्रोटीन रिसेप्टर उसके ऊपर थे वही रह जाते हैं। ये प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि फास्टेस्ट एवॉल्व प्रोटीन कहलाई जाती हैं। दो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में हों तो उनमें भी प्रोटीन डिफरेंट होगी। ये बाइंडिंग प्रोटीन विटलाइन एनवेलप के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ कंपैटिबल है तो एग्लूटिनेशन करेगी, स्पर्म आगे जाएगा, अगर इनकंपैटिबल है तो नहीं जाएगी। फर्ज करें कंपैटिबल थी तो स्पर्म ने विटलाइन एनवेलप को क्रॉस किया, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके ये फ्यूज करेगा और वहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इस कोन की वजह से ही जो स्पर्म के अंदर मटीरियल होता है वो आगे जा सकता है। तो तीन मटीरियल, चार हमने बात की थी, नंबर वन साइटोप्लाज्म जाता है, प्रो न्यूक्लियस, सेंड्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और जो सेंड्यूल्स हैं वो मदर सेल के या एग के डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, स्पर्म वाले ही आगे डिवीजन में काम करते हैं। तो इस तरह की होता जी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन क्योंकि न्यूक्लियर की हम लोग फ्यूजन कहते हैं तो प्रो न्यूक्लियस जो स्पर्म का था और एग का, वो बाइंड करते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड सेल बन जाता है। तो यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन